हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। ये एक बेबी फ्रॉक है, तो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ्स के बेबी को ये आएगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसमें बहुत ही सुंदर पेस्टल शेड्स का यूज किया है। यहाँ पे ये ऑफ वाइट है और ये पीच कलर का शेड है। इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशिया और यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे भी डबल क्रोशिया, लेकिन ये डिजाइन कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप देखो, इस तरह से इसमें ये घेर आ रहा है पूरी फ्रॉक के अंदर इस तरह से। अब ये इसकी बैक साइड है। इसकी बैक साइड में ये देखिए, ये मैंने एक प्यारा सा बटन लगाया है और ये थोड़ा ओपन है ताकि बच्चे को इजीली उसकी नेक से ये बॉडी पे आ जाए। इस तरह से देखिए कितना सुंदर है, इस तरह से ओपन करके तो ये पूरा घेर है इस फ्रॉक का। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसकी चौड़ाई कुछ इस तरह से 16 और ये तो पूरा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर इसकी पूरी गोलाई आएगी। इसकी लंबाई अगर हम देखें इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट ये 26 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पे लेंथ है इस तरह से। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रॉक बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर की यार्न यूज की है। तो ये जो फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा है जो चेस्ट एरिया पे आएगा वो व्हाइट कलर से, और जो नीचे उसकी फ्रिल का हिस्सा है वो ये पीच कलर से। इसमें मैंने ये जो यार्न यूज की है ये 4 प्लाई की है इस तरह से, और इसमें ज्यादा रुए नहीं उठते हैं। तो ये वर्धमान की वूल मैं यूज कर रही हूँ, बेबी वूल। इसके बाद सीजर यार्न को कट करने के लिए और 4.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक। स्टार्ट करते हैं। तो हम इस फ्रॉक को ऊपर से नीचे बनाएंगे। सबसे पहले नेक एरिया बनेगा, उसके बाद नीचे का फ्रिल पोर्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नेक एरिया से। तो ये यहाँ पे हमने व्हाइट कलर की ये यार्न ली है। अब इस पे एक स्लिप नॉट बनाएंगे। तो इस तरह से स्लिप नॉट बनाने के लिए ऐसे यार्न को लिया इस तरह से, दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको इस तरह से। और अब इसको यार्न को इसमें से निकाल देंगे और अब इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्लिप नॉट बन गया। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम इसमें 58 चेन बनाएंगे। 58। तो अब हमारा यहाँ पे 58 चेन बन गई है। 58 चेन बनाने के बाद हम 4th स्टिच में 1, 2, 3 तरह से, और ये 4th स्टिच में 4th स्टिच में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, इसी तरह से 5 और बनाएंगे, और ये चेन 3 भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हुआ। तो टोटल हम देखें तो यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया होंगे। 2 हो गए ये, 3, 4, 5, 6 और ये 7।
इस तरह से ये चेन थ्री को अगर हम इंक्लूड कर दें तो हमारे पास 7 डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2। अब हम यहां पे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरह से तो यहां पे मैंने अभी 14 डबल क्रोशिया बनाए। अब चेन 2 और नेक्स्ट में हम फिर से यहां पे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। इस तरह से 14 डबल क्रोशिया, चेन 2, फिर से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। चेन 2 और अब यहां पे लास्ट में हम 7 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये हमारी इस तरह से अभी फर्स्ट रो बन के रेडी है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले चेन 1 इस तरह से और अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद यहां पे सेम फर्स्ट डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 इस तरह से, नेक्स्ट में 1 2 3 तो एक एक डबल क्रोशिया हम इनमें बनाएंगे, 4 5
सिक्स और ये सेवन, इस तरह से। अब हम ये जो चेन टू स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन टू सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हम यहां पे वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया यहां पे भी। तो इस पूरी रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया यानी कि वन वन डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ये हमारी सेकेंड रो है, और जहां पे भी हमारा चेन टू स्पेस आ रहा है उसमें हमें वन डबल क्रोशिया, चेन टू, वन डबल, चेन टू, इस तरह से ये डिजाइन देना है। इस तरह से वन डबल क्रोशिया बना रही हूं मैं पूरे में। अब हमारा यहाँ पे चेन टू आ गया, इसमें वन डबल क्रोशिया, चेन टू और सेम स्पेस में फिर से वन डबल क्रोशिया, इस तरह से। वन डबल क्रोशिया बनाते जा रही हूं मैं। अब ये चेन टू स्पेस आ गया इसमें वन डबल क्रोशिया, चेन टू और सेम स्पेस में अब वन डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट इसमें आए तो यहां पे वन डबल क्रोशिया के ऊपर वन डबल क्रोशिया। और अब हम चेन टू स्पेस में आए फिर से वन डबल क्रोशिया, चेन टू, सेम स्पेस में वन मोर डबल क्रोशिया, यहां पे वन डबल क्रोशिया, 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो अभी हमारा यहाँ पे एक और, हम ये स्टार्टिंग में यहाँ पे हमारे कितने बने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे भी हमारे एट बनेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहाँ पे हम एक और बनाएंगे एट और चेन वन। तो अब ये हमारा इस तरह से ये रो टू कंप्लीट हो गया है। तो ये नेक का डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा, तो ये बच्चे के नेक पे इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे रो टू अब हमारा कंप्लीट हो गया, मैं रो थ्री स्टार्ट करूंगी। अब राउंड थ्री के लिए सबसे पहले हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे
इस सेम स्पेस में वन डबल क्रोशिया तरह से, नेक्स्ट में भी वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने प्रीवियस राउंड में किया है, इसमें भी हम वन वन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। वन डबल क्रोशिया। अब हम ये चेन टू स्पेस में पहुंच गए, यहां पे वन डबल क्रोशिया, चेन टू, और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। वन वन डबल क्रोशिया हर एक डबल क्रोशिया में, जहां तक हमारा चेन टू स्पेस नहीं आ जाए। तो जैसे चेन टू स्पेस आएगा, वहां पे हम उस चेन टू स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन टू और डबल क्रोशिया ऐसे। अब यहां पे आए हम वन डबल क्रोशिया, चेन टू, और सेम स्पेस में वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पे चेन टू स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चेन टू, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पे वन डबल क्रोशिया। तो अब पूरी रो को सेम हम वैसे ही करेंगे, वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब ये चेन टू स्पेस में फिर से डबल क्रोशिया, चेन टू, सेम स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर अब डबल क्रोशिया, से।
तो यहाँ पे हम इसके स्टार्टिंग में फिर से काउंट करने के कितने डबल क्रोशिया हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे लास्ट डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो ये भी 9 हो गए। तो ये हमारा राउंड 3 बन के अब कंप्लीट है। अब हम राउंड 4 के लिए चेन 1 और इसको टर्न करेंगे सेम जैसे अभी हमने पहले राउंड्स में किया, ये डबल क्रोशिया के ऊपर है डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से। तो पूरी लाइन में हम एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जैसे हमारे हमने राउंड 2 से स्टार्ट किया था। अब हम ये चेन 2 में आए और यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, चेन 2, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया इस तरह से, 1 डबल क्रोशिया। अब हम ये सारे डबल क्रोशिया में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और सेम स्पेस में डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम, सेम पैटर्न को अभी हम रिपीट कर रहे हैं। अब चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन 2 और इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हम फिर से,
अब हम ये चेन टू स्पेस में आएंगे और स्पेस में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन टू सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और यहां पे लास्ट में डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये हमारा राउंड फोर कंप्लीट हो गया इस तरह से। सेम ऐसे ही अब हम राउंड फाइव बनाएंगे, एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम ऐसे हमारा राउंड फाइव बनेगा। तो मैं आपको राउंड फाइव के एंड पर मिलती हूँ। यहाँ पे मेरा ये राउंड फाइव कंप्लीट हो गया है। तो राउंड फाइव कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम राउंड सिक्स स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चेन वन, और अभी मैं इसको टर्न करूंगी, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम, जब तक हमें वो चेन टू स्पेस ना मिल जाए इस तरह से। और अब ये जो हमारा चेन टू स्पेस है, यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन और ये टू इस तरह से। अब ये हमारा फर्स्ट होल है और ये हमारा सेकेंड इस तरह से। अब हम स्लीव बनाने जा रहे हैं। तो स्लीव बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट होल में हमने टू डबल क्रोशिया बनाए और अब ये सेकेंड वाले होल में हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, वन और ये एक और टू। तो ये हमारा कुछ इस तरह से स्लीव बन गया। ये बनाने के बाद अब ये नेक्स्ट वन डबल क्रोशिया में ये वन डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहां तक पूरा भी वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे अभी पूरे यहां तक। अब ये चेन टू स्पेस में टू डबल क्रोशिया, वन और ये टू। अब हमारा ये होल है और इसका ये नेक्स्ट होल, ये जो लास्ट वाला है, इसमें आएंगे और अब यहां पे हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन और ये टू। तो इस तरह से अभी हमारा सेकेंड स्लीव बन गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे,
और ये लास्ट में वन डबल क्रोशिया। तो इस तरह से अभी हमारा यहाँ पे राउंड सिक्स कंप्लीट हो गया है इस तरह से। तो राउंड सिक्स कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। जब ये राउंड सिक्स कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में इधर, तो अब हम ये इसके सेकेंड हाफ की ये फर्स्ट स्टिच में इधर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अभी हमारा कनेक्ट हो गया इस तरह से और अब हम यहाँ पे एक चेन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री। अब नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया इस तरह से। तो ये हमारा राउंड सेवन चल रहा है, यहाँ पे हम हर स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया, और जब हम यहाँ पे आर्म होल में आएंगे ये वाला स्टिच, इसमें हम थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू और ये थ्री। नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया। अब हम ये पूरे में इस तरह से वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जब यहां पर आएंगे फिर से यहां पे थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और ये थ्री इस तरह से। यहां पे वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, इस तरह से। वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया और ये लास्ट में जो हमारी हमने सबसे पहले ये चेन थ्री बनाई थी, वन टू थ्री, इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। और मैंने ये यार्न को पहले से ही कट कर दिया, तो आप यहाँ पे यार्न को कट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और टाइटली हम सिक्योर कर देंगे तरह से। तो ये कुछ
ऐसे बनेगा फ्रंट से और ये इसकी बैक साइड रहेगी तरह से। अब मैंने ये दूसरे कलर की यान ले ली है, अब इस पे सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से ये स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हम इसको यान को यहाँ पे जहां पे हमने इसको फिनिश किया था वहीं पे इंसर्ट करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों यान को साथ में लेके हम इसको फिनिशिंग भी देते जाएंगे ताकि कोई एंड हमारा लूज ना रहे। यहाँ पे चेन थ्री बनाएंगे 1 2 3 और अब हम सेम स्पेस में यहाँ पे एक 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और 1 और। चेन 1 और सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से 1 2 और ये 3। अब हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे तो 1 2 इन दोनों को स्किप किया और अब हम यहां पे आए नेक्स्ट वाले में। यहां पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3। चेन 1 सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3 ऐसे। तो कुछ इस तरह से बनेगा। 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे 1 2 और अब हम नेक्स्ट में थर्ड वाले में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। चेन 1 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। डिजाइन कुछ इस तरह से बनता जाएगा। इसी को अब मैं रिपीट करने वाली हूँ पूरे राउंड में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने डिजाइन इतना बना दिया है तो अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। Thank you.
और लास्ट में अब यहाँ पे हमारा जो चेन थ्री था इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। तो ये आपको दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है बनने के बाद। तो ये इतना राउंड कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर है। अब हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये राउंड एट कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे राउंड नाइन। तो सबसे पहले हम ये स्लिप स्टिच से यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे आने के बाद चेन थ्री, वन टू थ्री, और अब यहाँ पे नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में चेन वन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, चेन वन और सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। अब हम यहां पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहां पे वन डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहां पे ये वन डबल क्रोशिया इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में आएंगे इधर। तो यहां पे वन डबल क्रोशिया, तो हम यहाँ पे एक तरह से टू डबल क्रोशिया बना रहे हैं और स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चेन वन, वन डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हम इस राउंड को इसी तरह से रिपीट करते हैं। यहाँ पे मेरा ये राउंड नाइन कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से इनको स्किप किया दो स्टिचेस को, यहाँ पे डबल क्रोशिया और स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चेन वन, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, यहाँ पे वन डबल क्रोशिया। तो जैसे मैंने पूरे राउंड में रिपीटेशन किया उसी तरह से इस तरह से। अब इन दोनों को स्किप करेंगे, वन टू, और ये इसमें वन डबल क्रोशिया और अब यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी वन डबल क्रोशिया इस तरह से। और अब ये जहां पे हमारा राउंड स्टार्ट हो रहा था इसकी चेन थ्री की थर्ड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से। ये मेरा राउंड नाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड टेन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले नेक्स्ट में आएंगे और स्लिप स्टिच, चेन थ्री, वन टू थ्री, और अब नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में ये चेन वन स्पेस में हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, चेन वन और सेम स्पेस में टू डबल क्रोशिया, वन और ये टू। अब हम यहां पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया ऐसे। अब हमारे वन टू इनको स्किप करेंगे और ये थर्ड में वन डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी वन डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में हम यहाँ पे टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, चेन वन, सेम स्पेस में फिर से टू डबल क्रोशिया, वन और ये टू इस तरह से। यहाँ पे वन डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, तो ये इस तरह से बनेगा। अब हम इसी पैटर्न को राउंड टेन में रिपीट करने वाले हैं। तो मैं आपको इसके एंड पे जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे यहाँ पे दिखाती हूँ बना के। यहाँ पर ये राउंड टेन कंप्लीट होने वाला है। तब इसके एंड में ये दो स्टिचेस को स्किप करेंगे जैसे हमने पूरे राउंड में किया है, वन डबल क्रोशिया, चेन वन स्पेस में वन डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, चेन वन, सेम स्पेस में टू डबल क्रोशिया, यहाँ पे वन डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में यहाँ पे वन डबल क्रोशिया इस तरह से।
अब ये चेन थ्री के थर्ड चेन में मैंने ये स्लिप स्टिच बनाए। तो अब हमारा यहाँ पे ये राउंड 10 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब राउंड 11 स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना के मैं यहाँ पर आई। अब यहाँ पे चेन थ्री, 1, 2, 3 और इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पे सेंटर में 1 डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1, नेक्स्ट में एक और 2 और इसके नेक्स्ट में एक और 3, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाए 1 बाय 1। अब हम दो चेन स्टिच को यहाँ पे दो स्पेसेस को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, तो ये 1, इसके नेक्स्ट में ये 2 और इसके नेक्स्ट में ये 3, तो अब हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया और अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 और इसके नेक्स्ट में 1, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कंप्लीट होने के बाद। तो अब इस राउंड में राउंड 11, यहां पर ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इस तरह से यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, नेक्स्ट 2, इसके नेक्स्ट में ये 3, चेन 1 स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, चेन 1, सेम स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, जो जैसे राउंड 11 में हमने पूरा रिपीट किया इस तरह से 2 और ये 3। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा चेन 3 है इसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से, यहाँ पे ये राउंड 11 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा राउंड 12, तो उसके लिए सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाया मैंने और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और हम यहाँ पर आ गए, चेन 3, 1, 2, 3 और अब नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया से। तो ये राउंड 12 है। अब ये चेन 1 स्पेस में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, चेन 1 और सेम स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 ऐसे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया, तो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया यहाँ पे इस तरह से। और अब हम इस तरह से यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और हमने इन दोनों को स्किप किया, यहाँ नेक्स्ट में आए 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया, 1, 2 और अब हम इन 1, 2, 3, 4 को स्किप करके यहाँ पे आएंगे, ये 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया ऐसा लग रहा है। सेंटर में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 1, ये नेक्स्ट में 2 और इसके नेक्स्ट में 3, तो हमने उसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से इसे 1, 2, 3, 1, 2 इसको और इसको स्किप करेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। अब इसके सेंटर में हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2
चेन वन, सेम स्पेस में टू डबल क्रोशिया, वन और ये टू, और यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, एक एक करके वन टू और ये थ्री। अब हम नेक्स्ट में आएंगे, इन दोनों को स्किप करेंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया। तो ये डिजाइन कुछ इस तरह से बन रहा है। इसी पैटर्न को अब हम इस राउंड में रिपीट करने वाले, तो राउंड 12 में यही पैटर्न रिपीट होगा। मैं आपको इसके एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड 12 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में इस तरह से इनको स्किप किया, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये हमारा थ्री डबल क्रोशिया, और अब यहाँ पे स्पेस में हम टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन वन, सेम स्पेस में टू डबल क्रोशिया और अब यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में टू डबल क्रोशिया, सेकंड डबल क्रोशिया हो गए और ये थर्ड डबल क्रोशिया। तो थ्री डबल क्रोशिया एक एक करके हमने बना दिए, जैसे पूरे पैटर्न में किया। अब यहाँ पे ये चेन थ्री की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। यहाँ पे हमारा राउंड 12 कंप्लीट हो गया है, तो हम राउंड 13 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आए हम स्लिप स्टिच बना के, चेन थ्री, वन टू थ्री, इसके नेक्स्ट स्पेस में वन डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया और अब हम यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे टू डबल क्रोशिया, वन और ये टू। चेन वन, सेम स्पेस में हम इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर इस तरह से। अब हम सेंटर में आएंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन वन, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया इस तरह से। अब हमारा यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनेगा, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया। अब हम इन दोनों को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया, वन, नेक्स्ट टू, थ्री और ये फोर। चेन वन स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चेन वन, सेम स्पेस में वन डबल क्रोशिया, यहाँ पे वन डबल क्रोशिया, वन टू थ्री और ये फोर। अब हम फिर से इन दोनों को स्किप करेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हम मेरा राउंड 13 है। अब हम राउंड 13 से लेकर राउंड 25 तक सेम ये पैटर्न को, यानी कि राउंड 13 को रिपीट करने वाले हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको, राउंड 13 कंप्लीट होने के बाद कुछ ये इस तरह से लगेगा। अब हम इसको और आगे रिपीट करके और राउंड्स बनाएंगे, तो मैं आपको राउंड 25 के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये मेरे सारे राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद। इस तरह से पूरी फ्रॉक ऐसे दिख रही है। इसकी बैक साइड में मैंने ये एक बटन भी लगा दिया है। तो अब ये जो हमारे पास ये लास्ट में जो एंड्स रह जाते हैं, ये जो धागे हैं, इनकी फिनिशिंग के लिए इसे बस हमें ये करना है, सीजर में डालना है इस यान को। और मेरा, मैं थोड़ा इस तरह से दिखाती हूँ, ये नीडल को यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इसके बाद इसमें ये यान को डाला और ये इस तरह से इसको पुल किया, तो अब ये यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो ये आपका जो लूज एंड है थ्रेड के, वो बिल्कुल भी हम नजर नहीं आएंगे। सेम इसी तरह से ये वाला भी थ्रेड को हम फिनिश कर देते हैं इस तरह से। और अब ये मेरी फ्रॉक पूरी बनके रेडी है। यहाँ पे
और अब ये इसकी इस तरह से बैक साइड से, और यहाँ पे ये बटन भी लग जाएगा इसका, ये बटन लग गया, तो अब आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।